अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। एवेपोरेशन स्टूडेंट्स, एवेपोरेशन के बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिक्विड्स होते हैं लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन मोशन। वो हमेशा मोशन में होते हैं, वो इमोबिलाइज नहीं होते, मतलब वो मूव कर रहे होते हैं। वो क्या होते हैं? दे आर मोबाइल। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या है? मोबाइल। अब इनकी जो मूवमेंट होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल की, जो मूवमेंट होती है बच्चों, वो मूवमेंट जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो मूव कर रहे होते हैं, सही। अभी क्या होगा कि जो लिक्विड है उसमें काइनेटिक एनर्जी की बेस पे मॉलिक्यूल्स हैं दो तरह के। ऐसे मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी, और दूसरे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। कहने का मकसद ये था कि जो लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं और उनकी जो मोशन होती है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। अब काइनेटिक एनर्जी की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल दो तरह के हो सकते हैं, एक ऐसे जिनमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है और दूसरे ऐसे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अगर दो मिनट एक्सपोज करो कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने भर रखा है कोई लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हमने भर रखा है इस कंटेनर में, सही। तो इसमें जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, मैंने आपको बताया कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दे आर इन मोशन, वो मोबाइल होते हैं, दे आर नॉट इमोबिलाइज, वो मूव कर रहे होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं बेटा, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। उनमें से भी कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो लो होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। अब ये हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल जब आते हैं सरफेस पे, कहाँ पे आते हैं? सरफेस पे आते हैं बेटा। कहाँ पे आएंगे? सरफेस पे आएंगे। ये वाले मॉलिक्यूल जब आएंगे सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे आएंगे, तब ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जब लिक्विड की सरफेस को करते हैं लीव करते हैं ये लिक्विड की सरफेस को, जब लिक्विड की सरफेस को लीव करते हैं तो ये यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और ये काम इतना तेजी से हो रहा होता है कि पिछले मॉलिक्यूल को पता भी नहीं चलता और उनकी एनर्जी लो हो जाती है, यानी जो नेट एनर्जी होती है, नेट टेम्परेचर होता है इस लिक्विड का, वो गिर जाता है, ठीक। अभी अगर डिफाइन करूं मैं एवेपोरेशन को मैं करता हूं डिफाइन, तो उसको डिफाइन कैसे करूंगा? तो बेटा एवेपोरेशन की डेफिनेशन होगी स्पॉन्टेनियस चेंज, यानी कि एकदम से चेंज हो रहा था ना, स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड का चेंज हो रहा है बच्चों, किसमें? इनटू वेपर्स। अब लिक्विड का वेपर्स में एकदम से तब्दील होना, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद तब्दील होना इज कॉल्ड एवेपोरेशन। तो हम क्या बोलते हैं? एवेपोरेशन। समझे? अभी एवेपोरेशन के बारे में दो सवाल बड़े मशहूर है। पहला सवाल ये कि एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, एवेपोरेशन की वजह से क्या होता है? कूलिंग प्रोड्यूस होती है। और क्यों होती है कूलिंग? एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, एवेपोरेशन की वजह से बच्चों कूलिंग होती है। तो कूलिंग क्यों होती है?
इसकी रीजन देनी है कि एवेपोरेशन कॉजेज, एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, तो वो कूलिंग क्यों होती है ये हम लोगों को जानना है। तो बेटा क्या होता है, देखो अब लिक्विड के मॉलिक्यूल मोशन में होते हैं, उनकी मोशन होती है ड्यू टू हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एंड लो एनर्जी मॉलिक्यूल, यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की हाई भी होती है और लो भी होती है। जब हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल सरफेस को लीव करते हैं तो पीछे क्या रह जाता है, नेट एनर्जी डिक्रीज होती है। नेट एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बेटा आप लोगों ने पढ़ रखा है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो क्या होता है कि बाकी जो मॉलिक्यूल बच जाते हैं उनका टेम्परेचर जो होता है बाकी लिक्विड का वो गिर जाता है, जिसकी वजह से सराउंडिंग से हीट मूव करती है, सराउंडिंग से हीट मूव करती है इनटू द कंटेनर, और इसी वजह से एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। एक क्वेश्चन तो ये था, तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि एवेपोरेशन takes place at all temperature, के evaporation का जो process होता है वो हर temperature पे हो रहा होता है, इसकी reason क्या है, इसकी reason बच्चों ये होती है, देखो फिर से वही बात, evaporation क्या होता है कि liquid के जो molecule होते हैं they are in motion, वो movement कर रहे होते हैं और उनकी जो मूवमेंट होती है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी की बेस पे मॉलिक्यूल्स ग्रो कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है और दूसरे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। बच्चों क्या होता है, जब टेम्परेचर चाहे कोई भी हो, चाहे वो कितना भी टेम्परेचर है, ज्यादा है कम है, हर टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कैटेगरीज होती है, मतलब कईयों की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो कईयों की काइनेटिक एनर्जी कम। अब ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सरफेस में से एस्केप करते हैं, जिसको हमने बोला कि इसको एवेपोरेशन कहते हैं। तो बेटा एवेपोरेशन का प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे चलेगा, चाहे टेम्परेचर कोई भी है। तो एक सिंपल सा लॉजिक था कि टेम्परेचर कोई भी है तो मॉलिक्यूल्स तो दो तरह की है ना भाई, लो एनर्जी और हाई एनर्जी। हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल तो स्पेशल इसको एस्केप करेंगे, दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज की समझ आ चुकी होगी। अभी बात करते हैं फैक्टर्स की, तो बेटा फैक्टर्स अगर देखे जाए तो फैक्टर्स की बात की जाए, एवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो बच्चों फैक्टर्स बेसिकली तीन हैं। तो पहला फैक्टर उसको बोलते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया देखो एक ये कंटेनर आपके पास, अगर यहाँ पे छोटा सा कंटेनर मैं और बना देता हूँ, ये छोटा सा कंटेनर है, इसमें भी लिक्विड है, मुझे मुझे देख के बताओ यहाँ से ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर निकल सकते हैं या फिर यहाँ से ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर निकल सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ से ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर निकल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो डायरेक्टली रिलेट करता है विद द सरफेस एरिया। उसके बाद जो दूसरा बेटा हमारे पास फैक्टर है, उस फैक्टर का जो नाम हम लेते हैं बेसिकली टेम्परेचर, टेम्परेचर को देखा जाए बच्चों, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ेगा, तो टेम्परेचर जो है वो भी डायरेक्ट रिलेशन शो करता है बच्चों विद एवेपोरेशन। और तीसरा जो फैक्टर हमारे पास आता है वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, IMF। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर तो स्ट्रॉन्ग है तो एवेपोरेशन कम होगी, और अगर कम है तो एवेपोरेशन ज्यादा होगी, इसका मतलब ये करती है इनवर्स रिलेशन।